अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाऊंगी। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, टमाटो क्यूरी 400 ग्राम, पानी 3 से 4 टेबल स्पून, टमाटो पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन के 5 जवे मैंने चॉप कर लिए हैं, ऑलिव ऑयल 4 टेबल स्पून। ऑलिव ऑयल के अलावा दूसरा ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। नमक हसबे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ऑर्गेनो लीव्स 1/2 टेबल स्पून। अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। अब पैन में सबसे पहले ऑयल डालेंगे, लहसुन डाल देंगे, लहसुन को हल्का सा पकाने के बाद अब हम इसमें टमाटो पेस्ट डालेंगे। और साथ ही ऑर्गेनो लीव्स डाल देंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, कुटी लाल मिर्च, अगर आप सुर्ख मिर्चें नहीं खाते तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को इतनी देर पकाना है कि इन सारे मसालों का और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर पकने देंगे। बीस मिनट तक पकाने के बाद अब ये बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। टमाटर और मसाले, हमने इसमें जो भी चीज़ें डाली थी ऑर्गेनो वगैरह, तो अब वो तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और अच्छी तरह पक चुका है। इन सब चीज़ों का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तकरीबन ये 20 मिनट में तैयार हुआ है। बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना, आपने हल्की आंच पर पकाना है। अब ये रेडी हो गया, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और अब हम इसे निकालने लगे हैं। पिज़्ज़ा सॉस मैंने बाउल में निकाली है, ठंडा होने पर इसे बॉटल में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। 10 से 15 दिन आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।